एलसीआर का केस नंबर 2 साल में आ गया आपको, पहला के पिछला मीटिंग में था, दूसरा में मिटा दिए, रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो। केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री जब आपका एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल हो गया ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो जेड यानी नेट रेजिस्टेंस सिर्फ कौन बचेगा आप इस केस में, जेड इज इक्वल टू देन इस केस में जेड इज इक्वल टू सिर्फ आर बचेगा और साई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इंपीडेंस जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना, करंट उतना ज्यादा होगा, इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस है ना, तो देयरफॉर इस बार I नॉट का वैल्यू जो आप लिखते थे V नॉट बाई जेड, असल में आप वो लिखेंगे V नॉट बाई आर, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है। जेड का वैल्यू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, कभी एक्स का स्क्वायर था ना, अब इस बार एक्स वाला टर्म ही हट गया क्योंकि नेट रिएक्टेंस जीरो हो गया, नेट रिएक्टेंस जीरो हो गया तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो करंट मैक्सिमम कब होता है एक एलसीआर सर्किट में, एक LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा जब XL किसके इक्वल हो जाएगा, XC के। फिर से बोलते हैं, therefore for maximum current के लिए एक तरह से क्या शर्त हुआ बताओ, XL is equal to XC, ध्यान सुनिएगा, XL मतलब होता है ओमेगा into L और XC मतलब होता है 1 by ओमेगा into C, ओमेगा square is equal to 1 by LC, ओमेगा is equal to 1 by root under LC। अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में बोला जाए तो फ्रीक्वेंसी में और बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताइए, फ्रीक्वेंसी जानते हैं ना आप, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, यानी कि 2 पाई एफ, ठीक है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा के बाई में करना होगा 2 पाई, तो बाई में 2 पाई कर दो, यानी यह समझ में आ गई, हम लिख दिए आपको, तो यानी आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी में 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एलसी, क्या लिखे 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एलसी। तो आपका जो ये कंडीशन आया इसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, और f इज इक्वल टू 2 पाई 1 बाई 2 पाई, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एलसी जो है इसको हम लोग आज के बाद कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, इस वैल्यू इस पे करंट का वैल्यू क्या हो जाता है मैक्सिमम। ये कब होगा जब आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या तो फ्रीक्वेंसी बोलो कितना हो जाए 1 बाय रूट अंडर एल सी। एक डायग्राम देखिए, इधर साइड हम करंट दिखा रहे हैं आई, इधर साइड हम फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं एफ, या ओमेगा बना रहे हैं ओमेगा, ऐसे ओमेगा लिख दिख रहा है, एक साइड करंट एक साइड ओमेगा। अब देखो ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि असल में आपका करंट जब मैक्सिमम हुआ है आई नॉट का वैल्यू भी मैक्सिमम, आई नॉट तो हर जगह था लेकिन आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम कब हुआ है जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है, जहां ओमेगा नॉट असल में क्या है ओमेगा, यही ओमेगा नॉट समझाने के लिए बोल रहे हैं, ओमेगा नॉट कितना है 1 बाय रूट अंडर एलसी। तो सुनो 11th क्लास में हम लोग रेजोनेंस पढ़े थे, याद आता है रेजोनेंस क्या था, जैसे आपका दोस्त आपको झूला झुलाता है तो आपका झूला झूल रहे हैं आप, तो ये झूला का फ्रीक्वेंसी हुआ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और आपका दोस्त भी आपको ऐसे झुला रहा है तो दोस्त का भी फ्रीक्वेंसी हुआ, तो झूला का फ्रीक्वेंसी से दोस्त का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, दोस्त देखता है कि अच्छा आप जाने वाले तभी आपको धक्का देता है जोर से, तो उस समय दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, झूला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ दूर जाता है। याद होगा 11th क्लास में कि आखिर सैनिकों को पुल पर बोला जाता है कि तुम कदम ताल यानी अपने पैरों को मिलाकर मत चलो, जैसे नॉर्मल चलते हुए चलो, क्योंकि एक साथ अगर सबके पैर ऊपर नीचे गए, और पुल जो है उसके पार्टिकल भी SHM में होते हैं, उनके भी पार्टिकल का एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एक टाइम पीरियड होता है, गलती से उसका भी फ्रीक्वेंसी और आपके पैरों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया एक साथ सबका, तो पूरा पार्टिकल एक साथ सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ऊपर और नीचे जाता है, अगर मैच हो गया तो उसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, और इस केस में सब पार्टिकल ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है पुल डैमेज हो जाए, जो आपको 11th में बहुत बड़ा हादसा है NCERT में दिखाया हुआ है जिसमें कि हवा चला और पूरा पुल ऐसे ऐसे हिलने लगा, रेजोनेंस कंडीशन, वही रेजोनेंस कंडीशन यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी वही है, आपका ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, आपका एक अप्लाई ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है आपका
अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ये और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दो फ्रीक्वेंसी है समझिएगा। एक तो इस सर्किट का अपना फ्रीक्वेंसी रहेगा, आप अप्लाई करोगे तो आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जब इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट जब कितना इक्वल हो जाएगा 1/√LC, यानी इस खास फ्रीक्वेंसी को आप जैसे ही मैच कर लीजिएगा तो उस समय करंट आपके सर्किट में मैक्सिमम आएगा। दिख रहा है करंट आपका सर्किट में मैक्सिमम आया। मैक्सिमम कब होगा आपके सर्किट में, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लोगे ओमेगा नॉट को यानी 1/√LC को। यहाँ इस डायग्राम में देख रहा हूँ दो करंट बनाए हैं, दो सर्किट बनाए हैं, एक ये एक ये। डैम्प मतलब होता है कि कम होना मोशन का, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब इसमें स्मॉल डैम्पिंग हुआ है, कम डैम्पिंग फोर्स लगाया अपोजिशन फोर्स, तभी तो ये बहुत ऊंचा तक उठा है। तो एक में डैम्पिंग फोर्स कम है, एक में डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है। तो देखिए दोनों करंट, दो सर्किट है, दोनों करंट एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ है। अगर आपसे हम पूछे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप जवाब दीजिएगा अगर ये R1 है और अगर ये R2 है तो आपका जवाब होगा कि R2 ज्यादा है R1 से। ऐसा क्यों? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट उसमें कम होता है। दोनों इसी पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ है करंट, लेकिन एक कम ऊंचा उठा है एक ज्यादा, मतलब एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है एक में रेजिस्टेंस कम है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलिएगा R2 बड़ा है किससे, R1 से। रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका तभी तो करंट कम हुआ है। खैर तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, जब आपका फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है 1/√LC के बराबर हो जाए, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आपका है वो इस फ्रीक्वेंसी को जब मैच कर लेगा तो कहेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। देखिए एलसी सर्किट जितने भी आप रेडियोज देख लो, पुराने वाले जो ऐसे FM वाले ने जो भी रेडियोज हैं, सारे रेडियो में कैपेसिटर होता है। जब भी आप रेडियो का स्टेशन चेंज करते हो तो आप उसका कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो, सब में कैपेसिटर है। तो एक सवाल आता है व्हेन इट इज सेड दैट ट्यूनिंग इज कंप्लीटेड, ट्यूनिंग कब कंप्लीट हो गया। चाहे आप रेडियो देखो, चाहे आप टीवी देखो, कुछ भी देखो, हर चीज में आपको हर स्टेशन या हर चैनल का एक नंबर है, हर स्टेशन का एक 92.7 है, 104.4 है, कुछ भी है ना ऐसा, 92.2 है, कुछ भी नाम है ना, ये सब उनका फ्रीक्वेंसी है, ये उनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। गवर्नमेंट से उन्होंने लिया है कि हम इस फ्रीक्वेंसी पे चिल्लाएंगे, हम इसी फ्रीक्वेंसी पे अपना सिग्नल भेजेंगे। अब होता क्या है, जब आप रिमोट से या चैनल बदलते हो या रेडियो बदलते हो तो आप कैपेसिटेंस चेंज करते हो, आप कैपेसिटेंस चेंज करके अपना ओमेगा चेंज करते हो, ओमेगा को चेंज करके आप इस वैल्यू के बराबर लाते हो। तो जैसे ही आपका उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है जो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होता है कि आपके सर्किट में उस स्टेशन का करंट मैक्सिमम आता है और वही स्टेशन आपको दिखाई या सुनाई देता है, क्योंकि उसी स्टेशन को आपने ट्यून किया है, यानी उसी स्टेशन के फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कराई है आपने। तो यही होता है रेजोनेंस कंडीशन। इसमें आपके NCERT में एक सवाल है, इसमें मिलता जुलता आप देखिएगा, उसको आपको पढ़ना है। वो जो मेटल डिटेक्टर होता है जो हर जगह आजकल होता है शरीर पे, अगर मेटल है तो कैसे ट्यून बजने लगता है, कहीं मेटल है तो कैसे वो आखिर मेटल डिटेक्टर काम कैसे करता है, वो हमको आप पढ़कर बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। सेम प्रिंसिपल है वहां पे, ध्यान दीजिएगा वहां। तो मेटल डिटेक्टर ऐसा कैसे काम करता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है कि उसके फ्रीक्वेंसी मैच करता है, ऐसा क्या होता है कि वहां पे बीप का आवाज सुनाई देता है। तो जो भी ट्यूनिंग इज कंप्लीटेड कभी कोई पूछेगा, इसका मतलब हुआ कि आप अपना कैपेसिटेंस चेंज करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके उस स्टेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो, और जैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी वहां से मैच हो जाता है तो वही स्टेशन दिखाई या सुनाई देता है और हम कहते हैं कि ट्यूनिंग कंप्लीट हो गया। तो रेजोनेंट कंडीशन समझ में आ गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/√LC। इस केस में करंट मैक्सिमम होता है, I नॉट तो सब है V नॉट बाय Z, लेकिन I नॉट का भी मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब XL इक्वल टू XC है। तो ये केस नंबर 3 आपको समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप में भेजिए, फिलहाल इसका फोटो भेज रहे हैं। वो बोले थे कि आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए ज्यादा इस मैच में नहीं खींचेंगे, अभी आपको समझा के हम छोड़ रहे हैं, अभी इसमें कई बातें हैं वो बोलनी है पहले, ठीक है। तो ये LCR सर्किट था, ये देखो 15 मिनट का तो खाली मीटिंग ही हुआ है, ज्यादा कहाँ पढ़ा है। तो आज हम लोग कम पढ़ेंगे क्योंकि कई लोग का डाटा या नेटवर्क सब ठीक काम नहीं कर रहा है। तो हमको आप क्या जवाब दे के रखोगे, क्या चीज के बारे में पढ़ के रखोगे कि आखिर सिक्योरिटी वालों का जो मेटल डिटेक्टर है वो कैसे काम करता है, ठीक है, इसका जवाब जरूर ध्यान रखना। ये NCERT का एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ट्यूनिंग के बारे में पढ़ना कि रेडियो या टीवी देखते वक्त हम लोग कैसे रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं, LCR सर्किट का क्या वहाँ रोल है, जरूर पढ़ना गूगल से या कहीं से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। आखिर हम चैनल बदलते हैं तो 305 में यही चैनल है, 402 में वही चैनल क्यों है,
और कभी कभी कोई चैनल झिलमिलाता क्यों, कुछ भी नहीं हुआ दिखाई देता या सुनाई देता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी किसी को अलाउट नहीं हुआ है। उस फ्रिक्वेंसी पे सब लोग एक समान चिल्ला सकते हैं। क्लास में गुजरते हैं आप, बच्चे भुनभुनाते रहते हैं, सब गप करते रहते हैं, तो टीचर आता है तो उसको हल्ला सुनाई देता है, क्योंकि सब एक ही फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही टीचर चिल्लाता है उसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होता है, वो आपको सुनाई देता है। उसी तरह से आप सिग्नल मैच कीजिए, आपको वो स्टेशन दिखाई देगा या सुनाई देगा, बाकी सब जगह सब तो एक ही जैसा बोल रहा है। तो ये सब चीजों को आप पढ़ के रखेंगे, अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। आज नेटवर्क के इश्यू के चलते चलो कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, नुकसान है। ठीक है, गुड नाइट, जाओ पंडाल घूमने जाओ, आज पंचमी हो गया भाई, पंडाल उंडाल देखो, कई लोग लाठी वाठी लेके महिलाएं इधर पुरुष उधर करता है ना, तुम लोग वो सभी करो पंडाल पे।